और अब बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बहराइच में कल की हिंसा के बाद आज शांति है, लेकिन सियासी गलियारे में बहराइच हिंसा को लेकर खूब सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्थिति को नियंत्रण में बताया और कड़ी कार्रवाई की बात कही, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। उन्होंने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल के तनाव के बाद आज बहराइच में स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। पीएससी, सीआरपीएफ, आरएएफ की तैनाती वहां पर की गई है। इसके अलावा आज भी वहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद बहराइच में मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिस के कई बड़े अधिकारियों की भी वहां पर मौजूदगी लगातार देखी जा रही है। स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में है। कल आपको बता दें कि जबरदस्त हिंसा वहां भड़की थी। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है, और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं कहा जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवारों को जो असीम वेदना पहुँची है वो बहुत दुख देने वाली है। जो भी पीड़ित है हमारी सरकार हिंसा अच्छी बात नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और इस घटना के लिए सरकार दोषी है, और लॉ एंड ऑर्डर पर कोई नियंत्रण नहीं है, और इनका इकबाल ख़त्म है, और इकबाल से सरकार चलती है। योगी बाबा का पुलिस के लोगों पर भी कोई इकबाल नहीं रह गया है। बहराइच में बवाल के बाद अब वहां पर शांति है, हालांकि तनाव लगातार बना हुआ है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। रात में भी पुलिस ने गश्त लगाया है। पीएससी की 12, सीआरपीएफ की 2 और आरएएफ की 1 कंपनी वहां तैनात की गई है। बहराइच में लगातार 2 दिन तक हिंसा हुई। रविवार को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के समय जो हिंसा हुई वो कल भी जारी रही। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। जिन लोगों के घर को उपद्रवियों ने फूंक दिया था वो परिवार थाने में पनाह लिए हुए थे। वहीं पुलिस ने कार्रवाई तक अब तक 30 दंगाइयों को हिरासत में लिया है। रविवार को बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव और फायरिंग हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी, और इसके बाद ही वहां हिंसा भड़क गई थी। लगातार आगजनी होती रही, लोगों ने घरों में तोड़फोड़ मचाई, जिसके बाद पुलिस बल ने वहां पहुंचकर मोर्चा संभाला। तो बहराइच हिंसा को लेकर हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि हिंदू त्योहारों में आखिर क्यों मस्जिदों से पत्थरबाजी होती है, क्यों बार बार हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जाता है। बहराइच की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो मैं चाहता हूं सभी पक्षों से कि मैं चाहता हूं किसी भी तरीके से हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। लीगल सहारा लेकर के जो भी उस बच्चे की हत्यारा है उसको निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए आखिर। लेकिन हम इसके साथ ही जो बड़े मुस्लिम संस्थान हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आखिर नफरती पाठ कब तक पढ़ाते रहेंगे।